तो खबरों की करते हैं शुरुआत, आपको ले चलते हैं झारखंड के जमशेदपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन हुआ। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ एक ओर, मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ एनडीए सरकार कार्य कर रही है। न गांव, न गरीब, न किसान, न नौजवान, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, इसके नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन मिल गए। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल गया। और यही नहीं, कोरोना में जब पूरी दुनिया पस्त थी, तो मोदी जी ने उस समय पूरे दुनिया के लोगों के सामने भारत का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। और मार्च 2020 से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा अकेले भारत दे रहा है। अकेले भारत याद करिए, पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़। भीख का कटोरा लेकर के पाकिस्तान घूम रहा है दुनिया के अंदर। 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवा रहा है। अभी मोदी जी ने कहा है और जो कहा था वो किया है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को, वह किसी भी इनकम ग्रुप का हो, उन्हें फ्री में हर वर्ष 5 लाख रुपए की उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। घोषणा हो गई, लागू भी हो गया है। एक तरफ यह, दूसरी तरफ हाईवे बन रहे हैं, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, वाटरवे, ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा और मिशन रोजगार के अंतर्गत 10 लाख लोगों को मोदी जी ने तत्काल सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार थी, किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारा युवा नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है, यूनिकॉर्न स्थापित कर रहा है। डिजिटल इंडिया की क्रांति ने भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया है और उसी जोरदार प्रहार के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कि झारखंड के चुनावी मैदान में चुनावी हुंकार भर रहे थे।
खबरों बढ़ते आगे, यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता प्राप्त हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। यूपी में मदरसा एक्ट को मान्यता मिल गई है। हाई कोर्ट का फैसला पलट कर एक्ट को सही बताया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया गया है। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को लेकर टिप्पणी की थी और उसको असंवैधानिक साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन करता हुआ बताया था। ऐसे में इस एक्ट पर हाई कोर्ट की टिप्पणी आई थी। उसके बाद अब मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दी है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। तो 17 लाख छात्रों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। इसी साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को लेकर फैसला दिया जिसको अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट का फैसला पलट गया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट सही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मदरसा एक्ट को लेकर राहत मिली है। ऐसे कई मदरसे हैं जिसे अवैध बताया गया है और अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार मदरसा को लेकर नियम बना सकती है और ऐसे में यूपी में मदरसा एक्ट को अब मान्यता मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और मदरसा एक्ट को सही बताया है। मदरसा एक्ट 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमान, यूपी मदरसा एक्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, मदरसा एक्ट को मान्यता प्राप्त हो गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से जिस तरह से मदरसा बोर्ड से जुड़े सभी लोगों में खुशी की लहर है, वो चाहे मुस्लिम धार्मिक धर्म हो या आप अगर विपक्षी नेताओं की बात करें हो, चाहे समाजवादी नेता हो या समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव हो या भाजपा सुप्रीमो मायावती हो, सभी ने इस फैसले को सही करार देते हुए और मदरसा बोर्ड से जो अधिनियम 2004 है उससे जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही बताया है। जहां पहले हाईकोर्ट का फैसला आया था, हाईकोर्ट ने उस अधिनियम को असंवैधानिक बताया था। असंवैधानिक बताने के बाद जिस तरह से एक लड़की और एक निराशा देखने को मिली थी, जिससे भी मुस्लिम धर्म गुरु थे या मदरसे में जुड़े लोग थे या वहां पे शिक्षक की बात की जाए या वहां पे जो स्टूडेंट है छात्र थे, वो सभी में एक निराशा देखने को मिली थी जिसके तहत कई मदरसों से ताले लटकते नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस फैसले को खत्म करते हुए जिस तरह से जो अभी फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट से, जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके बाद से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें अधिनियम 4 को ही सही करार देते हुए उसी पर ही जो आगे के मदरसों से जो कार्य है वो आगे चलेंगे, जिसके बाद से लगातार जो मुस्लिम धर्म गुरु है, मुस्लिम धर्म गुरु लगातार उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उन लोगों का साफ तौर से यह भी कहना है कि जिस तरह से वहां पे जो शिक्षक है टीचर्स है उनकी नौकरी कहीं ना कहीं खतरे में आती दिखाई दे रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से नौकरियां फिर से वापस अपनी जगह पर कर पाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए अमान, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की, क्या कुछ कहा? जी देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कही है कि जो हाई कोर्ट ने जो पहले फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने फैसला किया था जो 2004 जो अधिनियम है उसके जो पुराना है उसके बाद से जो नया आना है उसके हाई कोर्ट ने फैसला किया था और जो असंवैधानिक करार देते हुए उस 2004 जो अधिनियम था उसको खत्म करने की बात कही।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार चार जो अधिनियम है उसको संवैधानिक करार देते हुए इसका फैसला सुनाया है। बिल्कुल अमान, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया गया है। 17 लाख बच्चों को राहत मिली है, तो ये राहत वाली खबर। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है अमान कि योगी सरकार यानी कि यूपी सरकार मदरसों को लेकर नियम बना सकती है। ये बिल्कुल इस तरह की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें राज्य सरकार के ऊपर ये बात कही है कि जो है ये मदरसों को लेकर नया अधिनियम बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बात करके यूपी के मदरसों को जो मान्यता मिलने की नियम और उनके सुचारू रूप से संचालन स्पष्ट आने की संभावना है। अदालत ने कहा है कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों से रक्षा करते हैं। बिल्कुल, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी में खुशी की लहर है। बहुत शुक्रिया मान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यूपी में मदरसा एक्ट को मान्यता प्राप्त हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है, साथ ही मदरसा एक्ट को सही ठहराया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, साथ ही साथ अब मदरसा एक्ट को मान्यता प्राप्त हो गई है। खबरों बढ़ते आगे, वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। काशी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है। शराब कारोबारी ने अपना परिवार खत्म कर दिया है। पत्नी, बेटी और 2 बेटों की हत्या कर दी है। पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या की गई है। आरोपी का निर्माणाधीन मकान में शव मिला है। रोहनिया के लाठिया में आरोपी का यह शव मिला है। हत्या आरोपी राजेंद्र पैरोल पर आया था बाहर। पहले पिता, भाई और गार्ड की कर चुका है हत्या। वाराणसी के भेलपुर थाना क्षेत्र के भदेनी की घटना बताई जा रही है। तो पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर चुका है। उसमें रात को 4 लोग हत्या हुआ है। उसमें वाइफ है, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। गुप्ता के घर में हुआ, रविंद्र गुप्ता भी मारे हैं। किराने तो बहुत है, किराने यहाँ 100 से 200 संख्या है किरानों का। पत्नी को, अपने भाई को, गार्ड का 20 साल पहले का जल्द से यहाँ आए थे। यार रात को घटना है, रात का। ये नाम तो नहीं मालूम है, नाम क्या क्या है? लक्ष्मी नारायण गुप्ता। और लोग को नहीं मालूम है अभी हमको। तो पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। काशी में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई जहां 4 लोगों की नर्मम हत्या कर दी गई। शराब कारोबारी ने अपना परिवार खत्म कर दिया है। पहले भाई, पिता की हत्या की थी, पैरोल पर बाहर आया और पत्नी, बेटे और 2 बेटों की हत्या कर दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी? तो काशी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है। शराब कारोबारी ने अपना परिवार खत्म कर दिया। पत्नी, बेटी और 2 बेटों की हत्या कर दी है। तो पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे पहले उसने पिता और भाई की हत्या की थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ये पूरा मामला? वाराणसी के भेलपुर थाना अंतर्गत मदनीपुर हाउस के आसपास का मामला है, जिसमें आज बिल्कुल सुबह जो है एक पिता ने अपने पत्नी और अपने 3 बच्चों को गोली मारकर के हत्या कर दी है। देर सुबह होने पर वहाँ के आसपास, घर के आसपास के लोगों द्वारा यह मामला उजागर हुआ। वहाँ पर पुलिस मौके पहुंची है, पहुंच कर छानबीन करने में जुटी है। मामले में जो है 3 लोगों की हत्या गोली मारकर की गई है, जिसके बाद जो है वाराणसी में मामला काफी संवेदनशील दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है पुलिस जो छानबीन में लग चुकी है। एक पिता ही जो है अपने पुत्री और पुत्र को अपने पत्नी की हत्या करने का अंजाम दिया, जब पिता की जो है पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है धर्मेंद्र की पैरोल पर ये व्यक्ति बाहर आया था और इसने पहले अपने पिता, भाई और गार्ड की हत्या कर चुका था। राजेंद्र गुप्ता नाम का व्यक्ति है, जो अपराधी के इतिहास रहा है। तो पूरे लिए हत्या के मामले में मिल जा चुका है। कुछ ही दिन पूरे पैरोल पर छूट करके घर आया और घर आने के बाद ये अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों को जो है हत्या कर अंजाम दिया। हत्या के कारण का यह पता चला है किसी ज्योतिष या किसी
जो है बाबा के चक्कर में आ गए थे, बाबा के कहे जाने पर, कि वह जो है उसकी पत्नी जो है उसके विकास में बाधा बन रही है, इसको लेकर के विकास में बाधा बनने की बात सामने आने पर अपने पत्नी को जो है अपने दो तीनों बच्चों को मौसी घाट उतारने के लिए या एक पूरी तरीके से गोली मारा, गोली मार के हत्या कर दी गई है, जिसके बाद वर्तमान में हत्या के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, क्या कोई पारिवारिक कलेश था या फिर कुछ और? स्मृति बता दें आपको कि हत्या के पीछे ज्योतिष का मामला बताया जा रहा है, क्योंकि ज्योतिष ने उसको कहा था कि तुम्हारे विकास में, तुम्हारे परेशानियों में तुम्हारी पत्नी जो है बाधा बन रही है। पत्नी की बात सामने आने के बाद पत्नी को जो है जो अलग हटाने के नियत से जो है आज एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया, जिसमें पत्नी समेत पुत्र और पुत्रियों को जो है को गोली मार करके सुबह जो है मौके पर फरार हो गया। पुलिस मौके पर छानबीन कर रही है, मोबाइल ट्रेस करते हुए जो है अभी उसकी तलाश में जो है लगातार लगी हुई है। बिल्कुल, पूरे मामले पर धर्मेंद्र परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इससे पहले भी इस युवक ने कई लोगों की हत्या कर चुका है, ऐसे में परिजनों का क्या कुछ कहना? जी सुनिए बात है आपको कि लगातार परिवार में से वृद्ध माँ और बाप है जो चलने में भी असमर्थ है, लगभग 15 से 20 सालों से आप किराए के मकान में मधुबनी क्षेत्र में रहता था, और इसके बाद जो है क्षेत्रीय लोगों का यह कहना है कि इतिहास आपराधिक इतिहास रहा है और शुरू से ही यह विवादित रहा है, लगातार इतिहास इससे जो है संगीन रहे हैं, जिसको लेकर के यह एक मामले फिर अंजाम दिया है और पत्नी समेत अपने 3 बच्चों को हत्या करके और सुबह से ही फरार है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बेहद खौफनाक ये मामला है। धर्मेंद्र राजेंद्र नाम के एक आदमी ने अपने ही परिवार के सभी सदस्यों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो काशी में एक ही परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी गई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।